इस समय आज तक की ये विशेष बुलेटिन लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई से आप देख रहे हैं, जहां कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल की लड़ाई में शहीद हुए 545 वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही साथ न केवल पाकिस्तान पर बल्कि भारत में विपक्ष पर भी जबरदस्त प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी कि पाकिस्तान जिस तरह कारगिल में हारा, जिस तरह 1947 में पाकिस्तान हर युद्ध भारत से हारा और उसके बावजूद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और आतंकवाद के आका पाकिस्तान में पनप रहे हैं, पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब उसी तरह देगा जिस तरह कारगिल में दिया गया था। यह था प्रधानमंत्री का पहला प्रहार। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को भी अग्निपथ योजना के मुद्दे पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार नहीं खरीद रहा था, जो वायुसेना के लिए आधुनिक विमान नहीं खरीद रहा था, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि जो अग्निवीर योजना को, अग्निपथ को पेंशन और पैसे घटाने की दृष्टि से देख रहे हैं, वो नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना सेना में जवानों की आयु घटाने की दृष्टि से, कॉम्बैट सोल्जर्स की, फाइटिंग फोर्स की आयु घटाने की दृष्टि से योजना सेना लाई थी, सरकार ने उसका समर्थन किया। देखिए प्रधानमंत्री का एक के बाद एक विपक्ष पर जबरदस्त वार। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जुट की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। लेकिन प्रधानमंत्री के वार के बावजूद विपक्ष का रुख ना नरम हुआ है
न रुख बदला है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो अग्निपथ स्कीम को हटा देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री पर युवाओं को बहकाने का और गलत मार्ग पर ले जाने का आरोप भी लगाया। ये हमला न केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ बल्कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री और अग्निवीर स्कीम पर प्रहार किया। विपक्ष की आवाज सुनिए। प्रधानमंत्री जी आदतन जो गलत कर जाते हैं उसे गलत भी मानने को तैयार नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप क्या उनको पाकिस्तान और चीन की सेना के सामने करेंगे? जो सेना है आपके सामने जिसे आज आप संबोधित कर रहे थे, ये विश्व विजयी सेना है, भारत की बहादुर सेना है। मैं उनकी शहादत को कारगिल पे प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और इसे या तो समाप्त कर दें मोदी जी या जब भाई सरकार आएगी हम सब से पूछिए ना, यूथ से पूछिए, मतलब कमाल है। प्रधानमंत्री जी को अभी भी 240 के लाले पड़ने के बाद भी मैसेज नहीं जा रहा है ना, जाएगा भी कैसे? भैंस, मंगल सूत्र, मुजरा, टोटी काट लेगा, बिजली काट। एक साल की ट्रेनिंग होती थी किसी सैनिक की, उसके बाद 5 साल वो फील्ड में ड्यूटी करता था, फिर उसको युद्ध की स्थिति में आगे किया जाता था। आपने तो 6 साल की ट्रेनिंग कर, 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी, और उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की कुल नौकरी कर दी उसकी। तो आप सेना को सक्षम और मजबूत बना रहे हैं या कमजोर बना रहे हैं, ये सवाल अपने आप से पूछिए प्रधानमंत्री जी। आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी, आपने विपक्ष की बात सुनी, आपने विशेषज्ञों को भी सुना, लेकिन अग्निपथ स्कीम है क्या? ये योजना सरकार लाई क्यों? प्रधानमंत्री ने तो आज साफ कर दिया कि ये योजना सेना लाई थी, सरकार ने सेनाओं का समर्थन किया। लेकिन क्या अग्निवीर योजना की आवश्यकता है? क्या उससे जो कॉम्बैट फोर्स है, जो फाइटिंग फोर्स है, यानी वो जो युवा सिपाही है, उनकी आयु में कमी आएगी और इसकी आवश्यकता क्या सेना को अरसे से रही है? पैसों की दृष्टि से देखा जाए और जो अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे 4 साल की सर्विस के बाद, उनका क्या होगा? तथ्य क्या कहते हैं? देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल। अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौ सेना और वायु सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार की ओर से शुरू की गई योजना है। 16 जून 2022 को हुई घोषणा के तहत इसमें शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडेट के तौर पर शामिल किया जाता है, जबकि बाकी 75% को सेवानिधि पैकेज के साथ रिटायर किया जाता है। इस योजना का मकसद जवानों की औसत आयु कम करना है। भारतीय सेना की औसत उम्र 32 साल है जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 26 का है। इस लिहाज से हमारी सेना को युवा बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही बड़ा मुद्दा पेंशन का है। अग्निवीरों को एक मुश्त पेंशन देने के बाद सरकार पर पेंशन देने की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। दूसरी तरफ स्थायी भर्ती के मामले में सेना पर पेंशन की जिम्मेदारी बनी रहती है। अग्निपथ के समर्थन में सरकार इस पैसे का इस्तेमाल सेना को मॉडर्न बनाने पर खर्च करती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2010 से 2014 के बीच कुल डिफेंस बजट का औसतन 49.6% सैलरी और पेंशन के लिए अलॉट किया गया था, जबकि हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए औसतन 34.4% बजट मिला। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल 2018 से 2023 के बीच सैलरी और पेंशन के लिए औसतन 60.2% और सेना के मॉडर्नाइजेशन और हथियारों की खरीद के लिए औसतन 24% बजट मिला। पेंशन पर बढ़ते खर्च की एक मिसाल प्रधानमंत्री मोदी ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर दी है। वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़, ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़, इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। दूसरी तरफ विपक्ष अग्निपथ योजना को खत्म करने और सेना में नियमित भर्ती को फिर से लागू करने की मांग कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
कारगिल विजय दिवस के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष की सरकार होती तो इस तरह का आयोजन, जिस तरह से यहाँ फ्लाईपास्ट हुआ, जिस तरह से यहाँ पर वीरों को श्रद्धांजलि दी गई, जिस तरह पूरा देश कारगिल विजय की रजत जयंती मना रहा है, ऐसा नहीं हुआ होता। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो कारगिल विजय को भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उन्होंने साफ किया, ये किसी सरकार या किसी दल की जीत नहीं, ये भारतीय सेनाओं की और भारत की जीत है, जिसमें हर भारतवासी को न केवल प्रसन्न होना चाहिए बल्कि भाग लेना चाहिए। सुनिए, ये वही लोग हैं जो कारगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तवारीख को याद नहीं करते। कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी, कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था, ये विजय देश की थी, ये विजय देश की विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को याद दिलाया कि किस तरह फरवरी 1999 में भारत तो अमन के लिए, अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए लाहौर की यात्रा उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान ने उस समय भारत की पीठ में छुरा भोंका। उसी समय पाकिस्तान की सेना यहां कारगिल की ऊंचाइयों में घुसपैठ कर रही थी। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक पाकिस्तान का ही इतिहास याद दिलाया कि भारत के खिलाफ हर युद्ध में 1947, 1965, 1971, 1984 सियाचिन ग्लेशियर, 1999 कारगिल, आतंक के खिलाफ युद्ध, पाकिस्तान हर युद्ध हारा है और भारतीय सेना के जाबाज पाकिस्तान को हराने में पूरी तरह से सक्षम है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्रास आना एक और दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने वर्चुअल तरीके से शिनकुनला सुरंग निर्माण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और वहां पहली ब्लास्टिंग हुई। शिनकुनला सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल सामरिक दृष्टि से, क्योंकि एक और रास्ता खुल जाएगा जंस्कार घाटी और जंस्कार को लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए, जो साल भर लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक सुरंग बनकर तैयार होगी।
लद्दाख के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम होगा और पूर्वी लद्दाख यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत तिब्बत सीमा पर भारतीय सेना के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इस निर्माण पर क्या कहना था प्रधानमंत्री का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। हिमालय की गगनचुंबी चोटियां, सालों भर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सैकड़ों किलोमीटर तक जहां खड़ा रहना भी चुनौती है, जहां एक एक सांस के लिए लड़नी पड़ती है कुदरत से जंग, हिंद के उत्तरी सरहद पर उस बर्फीले हालात में भी मुस्तैद रहते हैं हिंद के जवान। लेकिन जिस सरहद पर पश्चिम से पाकिस्तान और उत्तर से चीन की घुसपैठ का खतरा हो, वहां हिंदुस्तानी जवानों की मौजूदगी बनाए रखना भी पहाड़ से छोटी चुनौती नहीं। और उसी चुनौती को समेटने के लिए भारत सरकार बना रही है शिंखुला टनल, जो हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह की दूरी को 60 किलोमीटर तक छोटी कर देगा। पीएम मोदी ने लद्दाख दौरे पर वर्चुअली उसी टनल की शुरुआत की। शिंखुला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। शिंखुला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। शिंखुला टनल लेह तक पहुंचने का ऐसा रूट होगा जिससे 12 महीने हिंदुस्तानी सैनिकों को साजो सामान से लेकर रसद तक पहुंचाना आसान होगा। लेह के जिस दुर्गम पहाड़ियों में 7 महीने बर्फ पड़ी रहती है, वहां चीन की घुसपैठ के बाद भारतीय सेना के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिहाज से ये टनल मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि 4.1 किलोमीटर की लंबाई वाली ये टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली से लद्दाख के जांस्कार घाटी तक बन रही है। बीआरओ के योजक प्रोजेक्ट के तहत तैयार हो रही इस टनल से दारचा, श्रृंखला, पदम, नीमू रूट खुल जाएगा। यह लेह तक पहुंचने के लिए तीसरा रूट होगा। हालांकि अभी लेह तक जाने के लिए मनाली सारचू लेह और श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे मौजूद हैं, लेकिन इन रास्तों पर सर्दियों में आवाजाही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अमूमन बर्फबारी के कारण साल में से 5 से 7 महीने ये रूट बाधित रहते हैं। इस टनल के बनने के बाद मनाली से लेह के बीच की दूरी 355 किलोमीटर से घटकर 295 किलोमीटर रह जाएगी। साथ ही दारचा, पदम, नीमू और मनाली पदम नीमू रूट दोनों लेह तक पहुंचने के सबसे सुरक्षित रूट के तौर पर कामयाब हो जाएंगे। शिंखुला टनल बनने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बनने वाली यह टनल होगी, क्योंकि अभी तक चीन ने 15,950 फीट की ऊंचाई पर टनल बनाई है, जबकि शिंखुला 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही टनल होगी। अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, द्रास, आज तक।